हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी थियोरी है जो कि लिटरेचर को सोशल और इकोनॉमिक थियोरीज के जरिए एग्जामाइन करती है, और ये मार्क्सिस्ट थियोरी सबसे पहले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिड 19th सेंचुरी के दौरान डेवलप किया था। मार्क्सिज्म लिटरेचर को हिस्टोरिकल और सोशल कंडीशंस का प्रोडक्ट कहती है जिस समय वो लिटरेचर लिखा जाता है, और ये लिटरेचर उस समय के हिस्टोरिकल और सोशल कंडीशंस को ना केवल रिफ्लेक्ट करती है बल्कि उसे शेप भी देती है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक लिटरेचर को क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक रिलेशंस और आइडियोलॉजी के लेंस के थ्रू एनालाइज करती है। और कुछ फेमस मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स थे टेरी इगल्टन, रेमन विलियम्स और फ्रेडरिक जेम्सन। अब हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, और जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है इम्फेसिस ऑन हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक ये एग्जामिन करते हैं कि कैसे सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स कोई भी लिटरेचर के प्रोडक्शन, रिसेप्शन और इंटरप्रिटेशन को शेप देती है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक ये बिलीव करते हैं कि हम एक लिटरेचर को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हम वो लिटरेचर जिस समय में लिखा गया है उस समय के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से एग्जामाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक शेक्सपियर के हेमलेट को एग्जामाइन करेगा तो ये हेमलेट प्ले जिस समय लिखा गया है उस समय के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स, कैपिटलिज्म और सोसाइटी में मेन और वुमेन की क्या रोल्स थे उसको डिस्कस करेगा। इसके साथ साथ वो ये भी एग्जामिन करेगा कि कैसे प्ले में पावर रिलेशंस, सोशल क्लास और आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया गया है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक ये एग्जामिन करेंगे कि कैसे कोई भी एक लिटरेरी वर्क में क्लास स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया गया है या उस पर कमेंट किया गया है। उनका ये मानना था कि लिटरेचर को कैपिटलिस्ट सिस्टम में हो रहे इनइक्वालिटीज के खिलाफ क्रिटिक के लिए भी यूज किया जा सकता है, और वर्किंग क्लास को प्रमोट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक चार्ल्स डिकेंस के ऑलिवर ट्विस्ट को एनालाइज करेगा तो वो ये दिखाएगा कि कैसे इस नॉवल में एक कैरेक्टर ऑलिवर के जरिए वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास की स्ट्रगल को दिखाया गया है, और कैसे ये विक्टोरियन इंग्लैंड की सोशल इनइक्वालिटीज और इनजस्टिसेस को डिपिक्ट करती है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक ये भी एग्जामिन करेंगे कि कैसे ये नॉवल उस समय की डोमिनेंट आइडियोलॉजी को चैलेंज करती है, जो कि ये कहती है कि पॉवर्टी कोई इंडिविजुअल मॉरल फेलर नहीं है, बल्कि पॉवर्टी सोसाइटी के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एग्जामिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी एंड कॉन्शियसनेस। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक ये एग्जामिन करते हैं कि कैसे लिटरेचर कोई भी आइडियोलॉजीज को, जैसे कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की, रेसिज्म और इंपीरियलिज्म को या तो रीइंफोर्स करती है या तो चैलेंज करती है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक ये भी एनालाइज करते हैं कि कैसे एक लिटरेरी वर्क एक इंडिविजुअल या ग्रुप में एक सोशल कॉन्शियसनेस यानी बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस को एनालाइज करेगा तो वो ये एग्जामिन करेगा कि कैसे ये नॉवल उस समय के जेंडर और सोशल क्लास के आइडियोलॉजी को चैलेंज करती है। वो रोल ऑफ मैरिज और कैसे महिलाओं को उस समय सोशल और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है उसको भी एनालाइज करेगा। मार्क्सिस्ट क्रिटिक ये भी एनालाइज करेगा कि कैसे ये नॉवल एक सोशल कॉन्शियसनेस भी क्रिएट करती है इस आइडिया को प्रमोट करके कि कोई भी इंडिविजुअल को उसके कैरेक्टर के बेस पर जज करना चाहिए, ना कि उसके सोशल स्टेटस को देखकर। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को कैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया जाता है। सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट की सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद
उस टेक्स्ट में कोई भी क्लास रिलेशंस यानी कोई भी क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया है कि नहीं उसे देखना पड़ता है, और अंत में हमें ये एग्जामिन करना पड़ता है कि क्या उस टेक्स्ट में कोई भी आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है या उसे चैलेंज किया गया है। यहाँ पर आइडियोलॉजी का मतलब है कोई भी बिलीफ्स, एटीट्यूड्स या आइडिया आदि। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।